गाइस हीरो करिश्मा की अभी यहाँ पे एक मतलब डिस्प्ले देखने को मिला है। जो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज है उनको इनविटेशन गया है, उस इनविटेशन में ये मीटर जो कंसोल है उसकी अनबॉक्सिंग की गई है, जहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हीरो करिश्मा में किस टाइप की डिस्प्ले देने वाला है। और यार सच बता रहा हूँ, मैं जब ये डिस्प्ले देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या हीरो वाले इतना बेहतरीन डिस्प्ले दे सकते हैं। बट यार इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि इस बार जो करिश्मा आने वाली है यार, मानना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। कंपनी यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दे रही है, हर छोटी छोटी चीज़ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले, आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लें इसके डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों करिश्मा की जो मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स और कुछ बड़े बड़े जो मीडिया कंपनीज हैं उनको इन्विटेशन गया है, जहाँ पे ये लोगों ने अनबॉक्सिंग करके इसकी वीडियो शूट करके अपलोड की हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका जो स्पीडोमीटर है वो हमें देखने को मिला है। अब दोस्तों स्पीडोमीटर में आपको ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने यहाँ पे इस बाइक में TFT डिस्प्ले यूज़ किया है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। TFT डिस्प्ले फिलहाल अभी तक हीरो की किसी भी बाइक में हमें देखने को नहीं मिला था, किसी भी बाइक में TFT डिस्प्ले नहीं आया था। बट इस बार इन्होंने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने दोस्तों TFT डिस्प्ले दिया है, कि ऑब्वियसली बात है ये RS से कंपेयर करेंगे या फिर R15 से कंपेयर करेंगे या फिर KTM की Duke 200 या 250 से भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि RC से सॉरी। तो उन सभी की कंपेयर में अगर देखें तो सबसे बेहतरीन डिस्प्ले हमें इस बाइक में आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आपको सारे फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे फीचर है, जैसे अगर देखें तो मोबाइल कनेक्टिविटी यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, एवरेज स्पीड, माइलेज, फ्यूल इंडिकेटर, साथ में इस बाइक में आपको जो टॉप स्पीड दिखाई गई है 142 की दिखाई गई है, ऑब्वियसली बात है उससे ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि लिक्विड कूल इंजन आ रहा है। तो स्पीडोमीटर में इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और काफ़ी अच्छा स्पीडोमीटर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है इस व्हीकल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हीरो यार मतलब कुछ बड़ा करने वाला है और कुछ बड़ी चीज़ लेकर आया है। ये करिश्मा मुझे लग रहा है दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा ना सुपर डुपर मार्केट में चलने वाली है। क्या तो सुपर डुपर चली गई तो सुपर डुपर फ्लॉप होगी, दो चीज़ हो सकती है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये बाइक चल जाएगी यार। क्योंकि इसका जो फ्रंट डिज़ाइन आया था लाइट्स वाला वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उसका भी जो डिज़ाइन है कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन दिया है। साइड प्रोफाइल की जो लुक आई थी, साइड प्रोफाइल में भी बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। साइड प्रोफाइल के साथ में इसका जो टैंक का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी शार्प लग रहा था और बाइक की जो रियर प्रोफाइल है वहाँ पर भी कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से इस पर डिज़ाइन दिया हुआ है। मतलब जो इस बार इंजीनियरिंग की गई है इस बाइक में वो काफ़ी अच्छी की गई है। अब अगर हम इसे ओल्ड करिश्मा या फिर ZMR से कंपेयर करें तो यार मानना पड़ेगा कि इस बार की जो XMR है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे होने वाली है। हालांकि जो पावर है, जो गियर मतलब टॉर्क है वो फिलहाल कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक दोस्तों इसमें आपको जो 210cc का लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम 25 PS के आसपास की पावर मिलेगी ही मिलेगी, उससे कम पावर कंपनी इसमें नहीं देने वाली क्योंकि बड़ी बाइक है। हाँ, बस एक दो चीज़ों पे लोगों का ध्यान होने वाला है, जहाँ पे दो चीज़ हम ध्यान देंगे करिश्मा पे कि कंपनी इसका डिज़ाइन एक्चुअल में कैसे बनाएगी, क्योंकि पूरा डिज़ाइन जब तक नहीं देखेंगे तब तक उसको समझ में नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि तब तक ये भी नहीं समझ में आएगा जब तक ये नहीं पता चले कि बाइक का प्राइस उन्होंने क्या रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा महंगी रखेंगे तो हीरो की मतलब मुझे नहीं लगता स्पोर्ट्स सेगमेंट में कोई महंगी चीज़ में ज़्यादा जाएगा। बट ये है कि अगर प्राइस थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी रखे तो ये बाइक चलने वाली है। और लाइट का डिज़ाइन भी सामने आया जो कि मैंने आपको दिखाया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। अब कौन कौन इस बाइक के लिए एक्साइटेड है यार कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।